पर्पल न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के धाकड़ बल्लेबाज रहे सनत जयसूर्या घुटने की चोट की वजह से खुद बेसाखियों पर आ गए। श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज सनत जयसूर्या को क्रिकेट फैन कभी नहीं भूल पाएंगे। अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले जयसूर्या पिछले कुछ वक्त से बेसाखियों के सहारे चल रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि नी इंजरी के लिए जयसूर्या ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जयसूर्या के घुटने का ऑपरेशन मेलबर्न के एवेन्यू अस्पताल में हुआ। ऑपरेशन के बाद वह श्रीलंका लौट गए और अब उन्होंने भारतीय आयुर्वेद की शरण ली है। 1996 वर्ल्ड कप के हीरो सनत जयसूर्या अब भारतीय आयुर्वेदिक डॉक्टर की शरण में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक नी इंजरी का काफी इलाज कराने के बाद भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। ऐसे में अब भारत के एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जयसूर्या का इलाज करेंगे। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को जब जयसूर्या की परेशानी के बारे में पता चला तो उन्होंने आयुर्वेदिक इलाज लेने की सलाह दी। दैनिक भास्कर में छपी एक खबर के मुताबिक इसके लिए अजहर ने मध्य प्रदेश के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा से जयसूर्या की बात करवाई। कुछ वक्त तक जयसूर्या की परेशानी को समझने के बाद डॉक्टर प्रकाश ने उनकी बीमारी का इलाज खोज निकाला है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के रहने वाले डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा एक ऐसा नाम जिन्होंने कई अनूठी जड़ी बूटियों की खोज कर कई असाध्य रोगों का इलाज किया है। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रकाश इंडियन टाटा के फेसबुक पेज पर उनकी कई सितारों के साथ तस्वीरें पोस्ट की गई हैं, जिनमें अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम भी शामिल है। बताया जाता है कि डॉक्टर प्रकाश कई सालों से देश के गरीबों और असहाय लोगों की निस्वार्थ सेवा और इलाज से हजारों लोगों को राहत मिली है। डॉक्टर प्रकाश टाटा ने सनत जयसूर्या का इलाज पातालकोट की जड़ी बूटियों में खोज निकाला है। जानकारी के मुताबिक इन जड़ी बूटियों को लेकर डॉक्टर टाटा श्रीलंका के लिए रवाना भी हो चुके हैं। अब 10 फरवरी से जयसूर्या का इलाज शुरू होने की संभावना है। क्रिकेटर सनत जयसूर्या के इलाज के लिए 2 दर्जन से ज्यादा जड़ी बूटियां श्रीलंका ले जाई जा रही हैं। पिछले दिनों सनत जयसूर्या की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें वह बैसाखी के सहारे चलते नजर आ रहे। पातालकोट मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के पास मौजूद गाधरताल घाटी में लगभग 3,000 फीट नीचे है तकरीबन 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली इस घाटी में 12 गाँव है जहाँ गौंड और भारिया जनजातियाँ निवास करती है। पातालकोट के घने जंगलों में जड़ी बूटियों का खजाना है। श्रीलंका के सबसे धाकड़ बल्लेबाज के रूप में पहचान बनाने वाले सनत जयसूर्या ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कुल 20,000 से ज्यादा रन बनाए हैं। उन्होंने 110 टेस्ट में 6,993 रन बनाए। उन्होंने 433 वनडो में 13,000 रन बनाए। जयसूर्या ने 31 T20 इंटरनेशनल मैच भी खेले हैं जिसमें 629 रन बनाए हैं। जयसूर्या दुनिया में सबसे तेज वनडे शतक लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की फेहरिस्त में शामिल है। उन्होंने 1996 में पाकिस्तान के खिलाफ 48 गेंदों में शतक ठोक दिया था। जयसूर्या ने दुनिया का दूसरा सबसे तेज वनडे अर्धशतक भी जड़ा है। पाकिस्तान के ही खिलाफ मैच में 1996 में उन्होंने 17 गेंदों में 50 रन ठोक डाले थे। जयसूर्या ने 2011 में क्रिकेट से संन्यास लिया था। इसके बाद वह श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड से जुड़ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।